स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 38 साथियों के साथ गंगा पूजन। जीवन के आरंभ से ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ दल बदल होकर क्रीड़ा कौतूहल आदि करने के समय नरेंद्र इन सब आयोजनों के नेता होते हैं। वस्तुतः नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में स्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था। एक मकर संक्रांति के दिन उन्होंने सहपाठियों के साथ अपने पिता से गंगा पूजा करने जाने की अनुमति ली। बाजे और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे में सहज हो गई। अंत में गंगा की महिमा का गान करते बाजे और पताकों के साथ एक छोटी मोटी शोभा यात्रा का रूप धारण कर सभी गंगा के तट पर उपस्थित हुए। गंगा के जल में पुष्पमाला आदि अर्पण कर तथा दीपों को प्रवाहित कर देवी की पूजा समाप्त की। कदली सर्प के छिलकों में जलते हुए छोटे छोटे ज्योतिर्मय दीपों को अपने वक्ष पर लेकर बालकों की पूजा से प्रसन्न गंगा मानव संध्या के सुकोमल अंधकार में प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुराती हुई मंथर गति के साथ सागर की ओर प्रभावित हो रही है। कभी समवयस्कों के साथ राजा कोतवाल खेल में वे राजा बनते। दत्तगृह का पूजाघर आंगन से काफ़ी ऊंचा था। आंगन में 6 सीढ़ियां चढ़कर पूजाघर में जाना पड़ता था। नरेंद्र संग सवर्ग उन सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठकर अन्य 2 साथियों को नीचे की सीढ़ी दिखाकर कहते, तुम मंत्री हुए और तुम सेनापति हुए, जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। उनके भी नीचे की सीढ़ी का सभा सदन बैठते। अंत में राज दरबार का कार्य आरंभ होने पर कर्मचारीगण भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते और राजा प्रश्न करते, मंत्री राज्य का क्या समाचार है? मंत्री कभी सुसमाचार सुनाते हुए कहते, जी हाँ प्रजागण परम सुखी है। अथवा कभी कहते, नहीं महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, तुरंत राजा का आदेश घोषित होगा, दुष्टात्मा का सिर उतार लो। तुरंत 10-11 खिलाड़ी और साथी बालक डाकू को दंड देने के लिए उद्यत होते, किंतु डाकू आत्मसमर्पण नहीं करते हुए तेजी से सदर दरवाजे की ओर भागता तथा सैनिक दल भी टोली से उनका पीछा करती। दोपहर को सभी अपने अपने बिस्तर पर या नौकरगण दहली पर सोकर आराम करते। चिल्लाकर दौड़ते हुए बालकों के उत्पात से परेशान नौकर उन्हें सबक सिखाने के लिए उनका पीछा करते, किंतु तेज से भागते हुए बालकों को नहीं पकड़ पाकर केवल थके मुंह से भर्त्सना करते हुए रहते। राजा के आसन पर बैठकर एवं सब कुछ देख सुनकर नरेंद्र केवल मधुर मधुर मुस्कुराते हुए रहते और कोई प्रकार के खेल खेलते थे। उन दिनों पूरे कलकत्ते में केसपत्ती अर्थात पेट्रोमैक्स आदि थी और लेमनेड सोडा की दुकानें खुली थी। नरेंद्र ने भी कल पुर्जे इकट्ठे कर गैस और सोडा लेमनेट का कारखाना लगाया। साथ ही वहाँ रेलगाड़ी भी चलने लगी। कई पुराने जस्ते की नल, मिट्टी की हांडी और खड़ लेकर उन्हें घर के आंगन में गैस दर का निर्माण किया। खड़ के जलते ही धुआं होता और इन सब नल से होकर ऊपर को उठता। तब नरेंद्र वैज्ञानिक की भांति कमर पर हाथ रखकर गंभीर दृष्टि से सब पर्यवेक्षक करते और अपने आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते, किंतु कभी असंतुष्ट होकर नाक सिकोड़ते हुए साथियों से कहते, नहीं यह कुछ नहीं हुआ, और आग दो, खूब फूक तक फूक लगाओ, गैस बहुत कम निकलेगी।